हम और आप भले ही अपना जन्मदिन साधारण तरीके से मना ले, लेकिन भोजपुरी कलाकार अपने जन्मदिन को किसी उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं अगर कोई भोजपुरी कलाकार अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने में इंटरेस्टेड नहीं भी होता है तो उनके दर्शक उनके चाहने वाले उनके फैंस अपने पसंदीदा कलाकार का जन्मदिन किसी उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं बात अगर की जाए पवन सिंह की भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन भोजपुरी के तमाम दर्शक के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता है पवन सिंह की जन्मदिन की तैयारी काफी लंबे समय से चलने लगती है हर कोई पवन सिंह के जन्मदिन का इंतजार करता है पवन सिंह के जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए खास तरीके का शानदार आयोजन किया जाता जाता है। एक होटल बुक किया जाता है जहां भोजपुरी -その जगत के तमाम कलाकार पवन सिंह का जन्मदिन इस सिर्फ इसलिए खास नहीं होता क्योंकि वो पवन सिंह का जन्मदिन होता है और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन गायक और अभिनेता है बल्कि पावर स्टार का जन्मदिन भोजपुरी दर्शकों और तमाम भोजपुरी जगत के लोगों के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पवन पवन सिंह सिंह के जन्मदिन वाले दिन किंग की आवाज में भोजपुरी का एक बड़े बजट का गाना आता है और ऐसे में दिसंबर खत्म होते होते ही पवन सिंह के फैन को पांच जनवरी का बेसब्री से इंतजार होने लगता है क्योंकि इस दिन भोजपुरी का एक शानदार और महंगा गाना आना तय रहता है और कुछ ऐसा ही इस बार हुआ था यानी बीते पांच जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर पवन सिंह का एक गाना पांचे के नाची रिलीज हुआ था और इस गाने में पवन सिंह के साथ भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने भी आवाज दिया है और इस गाने के के वीडियो में पवन सिंह साथ नजर आई है अभिनेत्री डिम्पल सिंह और इस गाने में प्रियांशु सिंह ने म्यूजिक दिया है और ये गाना आते ही ट्रेंडिंग में चला गया था वैसे तो पवन सिंह का गाना अक्सर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में बना रहता है लेकिन हम आपको बता दें कि एक महीने पहले आए पवन सिंह के इस गाने पर पचास मिलियन से ज़्यादा व्यूज है और वही आपको बता दें कि पवन सिंह का ये गाना आज भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में चौबीसवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ये तो हो गई पवन सिंह के जन्मदिन की बातें लेकिन अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का भी जन्मदिन आने वाला है ऐसे में खेसारी लाल यादव के फैंस भी काफी डिमांडिंग होते नजर आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव से उनके जन्मदिन को लेकर नई नई डिमांड कर रहे हैं तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि खेसारी लाल यादव से उनके फैंस क्या डिमांड कर रहे हैं लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी भोजपुरी दर्शकों के लिए जनवरी और मार्च का महीना किसी त्यौहार के महीने से कम नहीं होता पवन सिंह के फैन जहां दिसंबर के बाद जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं वहीं खेसारी लाल यादव के फैंस फरवरी महीने के बाद मार्च महीने का इंतजार करते हैं कारण है कि 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन आता है और वही पंद्रह मार्च को भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव का जन्मदिन आता है ऐसे में इन दोनों सितारों के फैंस के लिए ये दोनों डेट बहुत स्पेशल है और इनके प्रशंसक के लिए ये दोनों डेट किसी पर्व के डेट से कम नहीं है ये तो जब जाहिर है कि पवन सिंह के जन्मदिन

और धमाका ये करे कि खेसारी भी पवन सिंह की तरह अपने जन्मदिन वाले दिन एक शानदार गाना लाए यानी फैंस की डिमांड से तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस बार खेसारी लाल यादव के फैंस उनका बर्थडे किसी त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं खबरों की माने तो खिसारे भी अपने इस बर्थडे के लिए बहुत सक्रिय रहने वाले हैं खिसारी ने एक बार बताया भी था कि वो अपने जन्मदिन पर गरीबों में कुछ वितरण करने वाले हैं लेकिन इस बार खिसारी के फैन खेसारी लाल यादव के लिए उनसे एक नए गाने की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन सिंह अपने जन्मदिन वाले दिन गाना लाते हैं वैसे खिसारी लाल यादव को भी ये गाना तो लाना ही चाहिए वहीं खिसारी लाल यादव के कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खिसारे के जन्मदिन वाले दिन गाना नहीं बल्कि खिसारे के अपकमिंग फिल्म संघर्ष संघाष्टू का ट्रेलर